स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ब्स पढ़ेंगे। वर्ब्स यानी हिंदी में, हिंदी व्याकरण में उसे क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में उसको वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स, कोई भी कार्य करना। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शंस, वो शब्द जो किसी क्रिया को बताते हैं, कार्य करने को बताते हैं, दे आर नोन एज वर्ब्स। अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग डज इज अ डूइंग वर्ड एक्शन वर्ब। किसी भी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के कार्य करने की क्रिया को हम लोग एक्शन वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन प्ले, वर्ब हो गया खेलना, आई कैन स्विम तैरना, आई कैन राइट मैं लिख सकता हूँ, आई कैन रन मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन पेंट मैं पेंट कर सकता हूँ। तो ये सारे प्ले, स्विम, राइट, रन सारे वर्ब हो गए। काम करने का क्रीड़ा को या खेलने को या क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। इसको हम बहुत अच्छा यहाँ पर वाक्यों के माध्यम से समझेंगे। आई कैन प्ले खेलना क्या हो गया वर्ब, आई कैन स्विम क्या हो गया स्विम तैरना यानी कि वर्ब, आई कैन राइट मैं लिख सकता हूँ, कोई भी मेरा कार्य करना जो है लिखना, तैरना, खेलना सब वर्ब है। आई कैन रन दौड़ना वर्ब, आई कैन पेंट पेंट करना रंगना जो है वो वर्ब हुआ, कोई भी क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। चित्रों के माध्यम से देखेंगे, राइटिंग राइटिंग इज अ वर्ब, वो क्या कर रहा है लिख रहा है, तो ये वर्ब हो गया राइट यानी उसकी क्रिया क्या कर रहा है राइटिंग। रीडिंग क्या कर रहा है पढ़ रहा है, तो रीडिंग क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, कोई भी कार्य करने को हम वर्ब कहते हैं। डांसिंग, ये लड़की महिला लड़की डांस कर रही है, तो डांसिंग उसकी क्रिया यानी वर्ब हो गया। जंपिंग कूदना, तो ये कूदना उसका वर्ब हो गया, उसकी क्रिया हो गई। अब यहाँ पर नेम है, यहाँ पर बहुत सारे नेम दिए हुए हैं और वो क्या क्या एक्शन वर्ब क्या क्या कार्य कर सकते हैं वो यहाँ पर है। बर्ड, फ्लाई, सिंग उड़ सकती है, गा सकती है, मंकी जंप क्लाइंब उड़ सकता है, कूद सकता है और चढ़ सकता है। बेबी छोटा बच्चा, क्राई लाफ, तो क्राई और लाफ वर्ब हो गया, क्या करता है वो वर्ब है। डॉग बार्क रन, कुत्ता भौंक सकता है और भाग सकता है, उसका वर्ब हो गया। स्टूडेंट रीड राइट, स्टूडेंट क्या बच्चा क्या करता है, छात्र लिख सकता है और पढ़ सकता है, ये उसका वर्ब हो गया। अब यहाँ पर हमको अंडरलाइन करना है वर्ब, तो हमने उसको अलग कलर से लिख दिया है कार्य को। प्लीज सिट ऑन द चेयर, काम क्या करना है आपको सिट, तो सिट इज अ वर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर फ्लाई इज अ वर्ब। रोहन किक्स द बॉल, तो किक्स क्या हो गया वर्ब। मीना ईट्स द ब्रेड, तो ईट क्या हो गया वर्ब, क्यों वो क्या कार्य कर सकती है, ईट खा सकती है। एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, तो यहाँ पर लिव रहते हैं, ये उनका कार्य है, क्रिया है, वर्ब है। बेबी स्लीप्स इन अ रूम, तो स्लीप उनकी क्रिया है, वो उनका कार्य है यानी वर्ब है। इसी तरीके से और सेंटेंसेस बनाए हैं। मीना इज डांसिंग, नाच रही है, तो डांसिंग इज अ वर्ब, लाल रंग से लिखा हुआ सब वर्ब है। टीचर इज टीचिंग, पढ़ा रही है, सो टीचिंग इज अ वर्ब। फादर इज कुकिंग, पिता खाना बना रहे हैं, सो कुकिंग इज अ वर्ब। मदर इज ड्राइविंग, सो ड्राइविंग इज अ वर्ब। ब्रदर इज प्लेइंग, सो प्लेइंग इज अ वर्ब। सिस्टर इज सिंगिंग, तो यहाँ पे वर्ब हुआ सिंगिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक्शन वर्ड्स वर्ब को पढ़ा है। थैंक यू।